बहुत सम्मान के साथ सिंगापुर की सरकार ने उनको निमंत्रण भेजा था कि दुनिया भर के गवर्नेंस के लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और वहाँ दिल्ली को लिवेबल और सस्टेनेबल सिटी के रूप में कैसे आप काम कर रहे हैं उसका मॉडल वहाँ पर रखें। जाहिर सी बात है उसमें दिल्ली के स्कूलों की बात होनी थी, हेल्थ सिस्टम की बात होनी थी, बिजली की बात होनी थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होनी थी, बाकी सब चीज़ों की बात होनी थी, उसी में उनकी दिलचस्पी है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर के लिए कहीं भी भारत से बाहर जाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की परमिशन की ज़रूरी होती है, तो वो एलजी साहब के पास फाइल गई थी उसके लिए डेढ़ महीने पहले। उन्होंने एडवाइस दी है कि उस पर ना जाएं, लेकिन सीएम साहब ने लिखा है कि एलजी साहब की वो इस एडवाइस से सहमत नहीं है, क्योंकि उनको जो इन्विटेशन मिला है वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने दिल्ली का लिवेबल एंड सस्टेनेबल मॉडल रखने के लिए मिला है, और अगर दिल्ली की सरकार को दुनिया की कोई सरकार, सिंगापुर की सरकार दुनिया के लीडर्स के सामने यहाँ के काम को रखना चाहती है तो इसमें किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है। भारत में होने वाले किसी भी राज्य के, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर किसी सरकार द्वारा किए जा रहे काम से देश और दुनिया के लोग कुछ सीखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो ये तो भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही मीन पॉलिटिक्स के तहत इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने अब ये निर्णय लिया है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत एलजी साहब की राय से, जैसे सीएम साहब इत्तेफाक नहीं रखते हैं, भारत सरकार भी, माननीय हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय, वो भी इस बात को देखेंगे कि कैसे अगर दिल्ली के काम से विदेश में भारत की साख बनती है तो इनको पॉलिटिकल क्लियरेंस दी जाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द पॉलिटिकल क्लियरेंस इसकी देगी और उसके बाद में दिल्ली का मॉडल सिंगापुर में दुनिया भर के लीडर्स के सामने रखा जा सकेगा।